फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में 6 अप्रैल के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। उससे पहले 22 मार्च से 6 अप्रैल तक 14 किश्तों में पेट्रोल और डीजल की कीमत दिल्ली में 10-10 रुपए प्रति लीटर बढ़ी थी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई थी। मार्च के मध्य में भारत के लिए क्रूड की कॉस्ट $128 प्रति बैरल पहुँच गई थी, जो 7 अप्रैल को 24% की गिरावट के साथ $97.58 रह गई थी। इससे माना जा रहा था कि अब देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लग सकता है, लेकिन कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब फिर पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड $108 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसी तरह WTI $103 प्रति बैरल पर। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमत में काफी तेजी आई है। अनुमानों के मुताबिक रूस रोजाना 10 से 30 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है। दुनिया के प्रमुख तेल कारोबारी रूस से तेल खरीद कम करने पर विचार कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4 नवंबर से 21 मार्च तक कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $139 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। यह 2008 के बाद इसका उच्चतम स्तर था। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कीमत नहीं बढ़ाए जाने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल $1 का इजाफा होने से पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 50 पैसे की बढ़ोतरी होती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर चुकी हैं, लेकिन अभी तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई नहीं हुई है। इस तरह आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत में और इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।